सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये रेशनल फंक्शन है ना, और जब भी आपके पास रेशनल फंक्शन आता है तो आप प्रोसीड करते हो बाय पार्ट सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। और पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे करने से पहले हमें देखना पड़ेगा जो रेशनल फंक्शन है वो इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है? न्यूमरेटर की भी डिग्री 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है और डिनोमिनेटर भी 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है। 1 डिग्री ये 1 डिग्री दोनों ऐड होकर 2 डिग्री हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको, इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर बनाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, हम सारा स्टेप दिखा दे रहे हैं आपके लिए। -x² + 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में हम न्यूमरेटर वाले पॉलिनॉमियल को लिख ले रहे हैं, हायर डिग्री टर्म देन लोअर डिग्री टर्म डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, -2x² और प्लस का x हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए आपको अब सिखाया गया होगा जो इसका हायर डिग्री टर्म होता है -x² डिवाइडेड बाई जो इसका हायर जिसे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो -2x² कटेगा, ये एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1/2। इसका मतलब ये 1/2 टाइम्स ले जाएंगे आप, फिर 1/2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए आप, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -x² और प्लस 1/2x। साइन चेंज करते हैं हम लोग, प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका -1/2x + 1। अब ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं इसको, दैट कुड बी रिटन एज ए 1 - x² / x - 2x कुड बी रिटन एज ए 1/2 एंड प्लस दिस पॉलिनोमियल -1/2। अच्छा, इसके बाद हम क्यों नहीं डिवाइड किए, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी इससे कम हो गई थी इसलिए हमने डिवीजन बंद कर दिया। तो -1/2x + 1 ओवर क्या हो जाएगा आपका, जो भी ये डिनोमिनेटर था x - 1 - 2x। ठीक है, तो स्टोरी को यहाँ से आप आगे बढ़ाइए, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा जो ये वाला पार्ट है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, -1/2x + 1 ओवर x - 1 - 2x को हम, चूँकि यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, a/x एंड प्लस b/अदर लीनियर फैक्टर 1 - 2x रख लेंगे। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट आपको बताया था a और b की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके शुरू के 3-4 क्वेश्चन जो हमने किए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उनको आप रिफ़र करिएगा, तीनों ही मेथड हमने डिस्कस किए हैं, जो आपको सूटेबल लगेगा वो अप्लाई करिएगा, यहाँ डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। तो a की वैल्यू निकालना है, तो a के नीचे आपका क्या है, x है, तो x को 0 प्लेस करेंगे। ठीक है, तो x को 0 प्लेस करेंगे, बशर्ते यहाँ पे हाइड कर लीजिए x को, 0 प्लेस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1/1, मतलब a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 - 2x को 0 प्लेस करेंगे, मतलब x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू 1/2 यहाँ प्लेस कर दीजिए, बशर्ते 1 - 2x को हाइड कर लेना है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा, दैट इज b = -1/2 × 1/2 और प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 1/2 डाल रहे हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ऊपर से आ जाएगा 1/4 माइनस का 1/4 + 1, ये हो जाएगा आपका 3/4 / 1/2, ये 2 कट जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 3/2 आ गया। इसका मतलब कि अब ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है ना, तो अब कम्प्लीटली हम क्वेश्चन पे अपने रिटर्न होते हैं, आप नीचे प्रोसीड करिएगा और डिवीजन एल्गोरिथम दिखाना आपके लिए नेसेसरी नहीं है, वैसे दिखा भी देंगे तो कोई हार्म नहीं है। तो दैट एक्सप्रेशन कुड बी रिटन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो अंदर वाला है वो 1/2 प्लस क्या लिखा था, a/x और प्लस b/1 - 2x dx। ठीक है, और a और b की वैल्यू हम लोग प्लेस कर देंगे, a की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 1 आई है, है ना, और b की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 3/2 आई है। तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 1 और दैट इज 3/2। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन, चूंकि क्या होता है आपका लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये तीनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx
एंड इंटीग्रल ऑफ 3/2 टाइम्स 1 माइनस 2xdx। ठीक है, तो काफ़ी आसान हो गया अब आपके लिए। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, 1dx हो जाएगा यहाँ पे, तो सही है। 3/2 यहाँ पे बाहर कर लीजिए, अब इसका क्या हो जाएगा आपका 1/2 एक्स हो जाएगा 1 का, प्लस ये log ऑफ मॉड x हो जाएगा, और प्लस 3/2 क्या हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड 1 माइनस 2x, और x का कोफिशियंट चूंकि माइनस 2 है तो नीचे क्या आएगा आपका माइनस 2, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 जा 4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दोगे माइनस 3/4, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।